अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। बेचारी की हालत पर गौर तो करो, कहां ये मामूली बकरिया और कहां तीन सांड। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मेरे मुंह में तो पानी आ रही है। रुको, एक मिनट। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों का मतलब खत्म होने के बाद तुम लोग मुझे मार डालोगे। समझदार है। मरने से पहले मैं एक बार गीता पढ़ना चाहती हूँ। अरे पढ़ लेने दे, क्या बुरी बात है, चल जल्दी पढ़। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामयं जन कर चामेय दिव्यामेय वेति तस्वतः त्यक्त्व देहं पुनर्जन्म नाति मामेतु स्वरर्जुन वितराग भय क्रोधा मन्मया मामू प्राश्चितः भवोह ज्ञान तपसः पूता मद्भा भावक्ता। तुझे भी मार देती मैं, पर शैतान सिंह को बताने वाला कोई नहीं रहता कि उसके आदमियों का कत्ल किसने किया है। जाके तू उसे बता दे कि गीता मेरा नाम। पटाखी ने मेरे दो शेर मार दिए और तुझे अकेला छोड़ दिया। सुनो रे सुनो, इस ससुरे को उसने अकेला छोड़ दिया। उठा उंगली, लगा अंगूठे से झटका।
छोड़ दिया। ये देख झटका। मैं सदके जावा, मैं वारी जावा। उस डाकू सुसरी ने हमारे डाकू को डाकिया बना के भेजा है ताकि हमें ये समाचार मिल जाए कि हम कुत्ते की तरह, डरपोक कुत्ते की तरह, हल्के कुत्ते की तरह अपना अड्डा छोड़ के चले जाए। अच्छा कुत्ते हराम सादे, तुझे पता है ना शैतान सिंह कभी हार का मुंह नहीं देखता और हारने वाले को कभी माफ नहीं करता। क्या बकते हो, कैसे बच गए? अरे ठाकुर ये सोच सोच कर तो शैतान सिंह के टकले सर में 10,000 सुराख हो गए। चाहे तो गर्मा गर्म बिरयानी बना के खा लो। लगता है शैतान सिंह तो ने मर्दों की जगह हिजड़ों की फौज पैदा कर ली है, इसलिए 3 आदमी मिलके एक लड़की को नहीं मार सके। क्या कहा तूफान? अरे ठाकुर वो तो लावे का पहाड़ है पहाड़। अगर वो चुप पड़ा तो 10,000 आदमी उस लावे में बहकर निकल जाएंगे। शैतान सिंह, हम ठाकुर लोग अपने इलाके में दबदबा पैदा करने के लिए तुम जैसे शिकारी कुत्ते पाल के रखते हैं। लगता है अब तुम्हारे पंजे में शिकार करने की ताकत नहीं रही। ठाकुर ये शैतान सिंह का पंजा है, पंजा जिसे हासिल करने के लिए इस शैतान सिंह ने अपने गुरु शैतान की तपस्या की और 10 साल की। वो सुसरी इस बार तो शैतान सिंह के पंजे से निकल गई, पर सुसरी जाएगी कहाँ? आज नहीं तो कल उसे शैतान सिंह का सामना तो करना ही पड़ेगा ना। समझ में नहीं आता वो बार बार कैसे बच जाती है। नहीं ठाकुर यहाँ तुम मात खा गए। तुम्हारे गांव वालों की मदद से वो सुसरी हमसे चुप्पा चुप्पी खेलती रही। क्या मतलब तू कहना क्या चाहता है? सदके जाऊं ठाकुर थोड़ा सा गलत हो गया। मास्टर का भाई गीता का खास चमचा है सोने का। हाँ। आज के बाद ये गांव वाले गीता का साथ देने की हिम्मत नहीं करेंगे। जब जब चली है जुल्म की आंधी गरीब और मजलूम पे, तब तब लिखी है बाबा ठाकुर ने कहानी तुम जैसों के खून से। तू बचेगा तब ना। मास्टर लड़की को ले जाओ। बाबा ठाकुर मैं तुम्हारा? नहीं मास्टर कोई ऐसा नहीं किया मैंने। इस गांव के लोग मेरे भाई बहन हैं और कोई अपने भाई बहनों पर एहसान नहीं करता। बाबा ठाकुर आप डाकू भी हैं
और देवता भी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टोपी मेरा भी नाप ले लेना। अरे हट हट, क्या तेरा नाप लूं? सवेरे सवेरे भेजा खराब करने आ गई। भेजा? ये भेजा क्या होता है? अरे भेजा तेरे को होता तो बताता क्या होता है। क्यों सवेरे सवेरे बोनी के टाइम पर बट्टा लगाने आ गई? चल जा फुट। मास्टर जी ये तो पगली है। अरे पगली है तो मुझे क्यों पगला कर रही है ये? अरे जाना मेरी माँ, जाना, मेरा दिमाग मत खराब करना। बुद्धू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा दिया हुआ खाते हो और उस चंडी से वफादारी करते हो। ठाकुर साहब आप हमारा हक देते हैं, हराम की नहीं देते। ठाकुर साहब के सामने जबान चलाता है, मांग माफी। बिल्कुल नहीं ठाकुर साहब, इसे माफी नहीं साफी की जरूरत है। इसकी लाश देखने के बाद इस काम का कोई भी चंडी से वफादार नहीं करेगा। अरे ठाकुर साहब आपने तो सचमुच गोली मार दी। इंस्पेक्टर ये पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। ये डाकू गीता का आदमी था, उसका तो यह हशर होना ही था। अब आई समझ में? सुनो तुम लोग, इस लाश को यही सड़ने दो, कोई इसका क्रियाक्रम नहीं करेगा। मास्टर जी आपका भाई मरा नहीं, शहीद हुआ है, और शहीदों की लाशें शमशान घाट की मोहताज नहीं होती। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने इन हाथों से आपके भाई का क्रियाकर्म करूंगी। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी। मैं किसी की बेटी नहीं। जिस दिन से इन हाथों में ये बंदूक आई है ना, मेरा हर रिश्ता खत्म हो गया है। बस अब तो मैं गीता हूँ, गीता। तू आई गई हमारे झांसे में, इसलिए हमने इसे गोलियों से भून दिया, क्योंकि हम जानते थे तुम जरूर आओगी। अब तेरी भी चिता इसके साथ चला दूंगा। बाबा ठाकुर, बाबा ठाकुर, बाबा ठाकुर। जुल्म की हुकूमत की जड़ें बहुत कमजोर होती है छोटे ठाकुर। बाबा ठाकुर तुम यहाँ किस लिए आए हो? सुर जरा धीमे रख के बात कर, लगता है गलत रास्ते पे चलते चलते तुम अपने खानदान की तहजीब भी भूल गए। बाबा ठाकुर अपने आप को कानून के हवाले कर दो। आप मुझे गिरफ्तार करेंगे? मुझे गिरफ्तार करने आए हो इंस्पेक्टर? ये क्या तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे? हाँ समझा, रिश्वत की रोटी खाते खाते आदमी के हाथ कांपने ही लगते हैं कुत्ते। ठाकुर बंदूक से तो हर इंसान डरता है,
मार दो तो बंदूक फेंक के दिखाओ। अच्छा गीता इसे पकड़ना। विक्रम, आखिरी वार्निंग देकर छोड़ता हूँ। अब कोई ऐसी गंदी हरकत की तो जान से मार डालूंगा। इस बेचारे का अंतिम संस्कार कर दो। जी। मुझे गीता जिंदा चाहिए। I see। ठाकुर साहब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने शहर से एडिशनल फोर्स मंगा ली है। ऑपरेशन गीता के तहत हम गीता को और उसके सारे गिराव को खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे। नहीं, अगर वो किसी और के हाथों मारी गई तो मैं तेरे जिस्म से ये वर्दी नोच लूंगा। मगर ठाकुर साहब, अपनी वर्दी का शत्रु मत बन। जो जीजा श्री कह रहे हैं वही कर, बस। गीता के इनाम की रकम दुगनी कर दो। जी ठाकुर साहब। और आसपास के गांवों में यह खबर फैला दो कि जो भी गीता को पकड़वाने में हमारी मदद करेगा उसे इस रकम के अलावा 10 लाख रुपए हमारी तरफ से भी इनाम दिए जाएंगे। ठीक है ठाकुर साहब। बाबा ठाकुर, आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने कोई एहसान नहीं किया गीता, मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है। हाँ कभी कभी सोचता हूँ कि तुम्हारे हाथ में बंदूक थमाकर मैंने तुम्हें मौत के रास्ते में चलना सिखा दिया है। इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। तू शेरनी है शेरनी, और शेरनी बनकर ही तुम अपने दुश्मनों से बदला ले सकती हो। ठाकुर साहब, ये बाबा ठाकुर हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। जब तक वो गीता के साथ है हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इंस्पेक्टर, सबसे पहले हमें बाबा ठाकुर को ही खत्म करना होगा। मगर उसे खत्म कौन करेगा? शैतान सिंह। हम गरीब नहीं ठाकुर, ये काम हमसे कती ना होगा। मेरी मानिए ठाकुर साहब, तो बाबा ठाकुर को नहीं छोड़िए। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि बाबा ठाकुर को छोड़ दें और गीता को भूल जाएं। ठाकुर साहब, छोटा मुंह और बड़ी बात, आपने कहावत तो सुनी होगी, लोहे को हमेशा लोहा ही काटता है। मेरी बात मानिए तो गीता का ठेका हसीना को दे दीजिए। हसीना, ये क्या चीज है भाई? ये एक नई डाकू है, बड़ी खतरनाक है, उसपे 2 लाख का इनाम है। इंस्पेक्टर, क्या हसीना गीता को मार सकती है? बड़ी सुसरी चीज है साली, अक्षियों से तुझो वो भी करती है, और अक्षियों से हाय हाय पप्पी भी लेती है। शैतान सिंह, इस वक्त हम मजाक के मूड में नहीं है। हम ठीक कहते ठाकुर, आज भी हसीना गीता का पसीना निकाल सकते। क्यों जमादार जी? खामोश, क्या बोलते हो? जमादार नहीं, थानेदार, ठाकुर जी के वफादार। अरे हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, पर ये बतावा, हम ठीक कहते ना? ठाकुर साहब, ये ठीक कहते हैं, हमें एक बार हसीना से मिल लेना चाहिए। ठीक है शैतान सिंह, हसीना को यहाँ ले आओ। ना ना, वो यहाँ ना आई, शैतान सिंह को खुद जाए पड़ी। शैतान सिंह, हाँ? तुझे हसीना के इलाके में आके डर नहीं लगा? डर डर, और शैतान सिंह को? अरे पगले, तुम्हें पता नहीं
ठाकुर हसीना से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। अपन को शेर कहने वाले हसीना के अड्डे पे का दुम हिलावत है रे। हसीना मुंह बंद कर, बदबू आवत है। बदबू? अरे तुमने मेरे उस्ताद रंगा का नाम फिर से जिंदा कर दिया, क्योंकि वह बदबू से भरा हुआ था और उसी तरह मैं भी नीचे से ऊपर तक बदबू से भरा हुआ हूँ। जो भी मेरी बदबू सूंघता है वो भगवान को प्यारा हो जाता है। और अभी इस बदबू भरे शैतान सिंह का अभी तेरे साथ मुकाबला तो नहीं हुआ ना। तू भी हमका नहीं जाना तेरे मुंह में हाथ डालकर सारी तड़िया बाहर निकाल दे और उसकी जगह गोली भर दे, गोली पेट में। ले चलो इसको अड्डे पर। अबे खजूर तू कहाँ गया था? फिल्म देखने मास्टर। फिल्म देखने गया था? तेरी उम्र फिल्म देखने की है, काम करने की है मेरे बच्चे। कौन सी फिल्म देखने गया था? बादशाह वाली फिल्म देखने गया था मास्टर जी। बादशाह फिल्म देखने गया था? अरे मेरा पसंद है रे शाहरुख भाई। अरे बादशाह आते हैं तो हवा में तूफान आते हैं। काम कर मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी। बाप की दुकान समझ के पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। ए चोपी लाओ सीधे ना। कहाँ काम है ठाकुर का? देखो हसीना हमें गीता चाहिए। वो हमरा शिकार है रे। शेर अपना शिकार किसी को नहीं देवत, और जोन ससुर का नाती शेर के शिकार पर नजर रखत शेर उके चीर फाड़ के खा जात है, मालूम है कि नहीं? हसीना हम जानते हैं कि गीता तुम्हारा शिकार है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका काम तमाम बहुत जल्द हो जाना चाहिए। तो ये बात है, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। ठाकुर मुझे देखने का कुछ ज्यादा ही शौक लगता है। तो है देखो हसीना हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। स्वर का पिल्ला इनाम की बात करत है? तोरी हवेल से दुई हाथ ऊंचा दौलत का ढेर लगा सकत हूँ, इनाम की बात करत है? कपड़े उतार और यहाँ से नंगा जा, मुंह मांगा इनाम हम देवत है। देखो हसीना तुम अगर मेरा ये काम कर देती हो तो हम तुमसे वादा करते हैं पुलिस में तुम्हारे जितने भी केस हैं हम खत्म करवा देंगे, और तुम्हारे सर पे जो 2 लाख का इनाम है वो भी खत्म करवा देंगे। क्यों रे, तेरा बाप क्या मिनिस्टर बन गया है? हाँ मेरा बाप होने वाला मंत्री। तू तो बड़ी कुत्ती चीज है ठाकुर। जा तेरा काम हो जाए, गीता तो है मिल जाए, जिंदा या मुर्दा। तुझे पता है हसीना ने तुझे मारने का मुझे ठेका दिया है। खतरनाक तो सिर्फ मौत होती है जो एक पल में जिंदगी का नामो निशान मिटा देती है। और उस मौत का नाम है शैतान सिंह। क्यों चिड़िया आई ना शेर के पंजे में, पर तो कि हम ऐसा ना छोड़ो। पर गीता मैं हमारी जावा, मैं सबके जावा, भगवान को प्यारा होने से पहले इस धरती के शैतान सिंह से लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट हू तू तू खेलती जा। हू तू तू, 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 हू तू तू। गीता इस दो नाली से मेरी हूँ तू तू मत कर। हाँ? इसमें तो गोली नहीं है। शैतान सिंह तेरी किस्मत अच्छी है कि मेरी बंदूक में गोली नहीं है, पर तुझे सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये ले, ये ले। राम राम टोपी। राम राम पंडित जी। नारायण नारायण नारायण। कितने नारायण। लेकिन पंडित जी क्या आपको लगता है मैं जिंदगी भर ये ब्लाउज काटता रहूं?
चिंदिया भरता रहूं। क्या तुम्हें लगता नहीं कि मैं बड़ा आदमी बनूं, पैसा कमाऊं, दौलत वाला बनूं? मेरा हाथ देखिए पंडित जी, हाथ देखिए। हाँ तो जजमान, मैं तुम्हारा हाथ देख ही लेता हूँ। अरे इस गांव में मैं 5 साल से हूँ पंडित जी, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। टोपी 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 फिट कर दी टोपी। अरे टोपी, तुम्हारे हाथ में तो राजयोग है। राजयोग? यानी राजा? हाँ। तू करीब आजा पंडित, तू करीब आजा। टोपी किंतु परंतु तुम्हारे राजयोग के आड़े में तिल आ रहा है। तिल आ रहा है? तिल आड़ा आ रहा है। पंडित जी खड़ा क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, लेट के आ रहा है। लेट के आ रहा है? हाँ। टोपी, जिस कन्या को होगा तिल, तिल हाँ, कन्या को हाँ, यहाँ होगा नहीं, यहाँ होगा नहीं, यहाँ होगा नहीं, यहाँ होगा कहाँ होगा? उस कन्या के यहाँ पर होगा तिल, छाती में। टोपी, जिस कन्या को होगा तिल उसी से मिलेगा तुम्हारा दिल, और अगर उस लड़की से होगी तुम्हारी शादी तो तुम्हें प्राप्त होगा राजयोग, और अन्यथा जजमान पूरी जिंदगी कैंची चलाते रहोगे, कभी सुने उंगली आ जाएगी, कभी कैंची में उंगली आ जाएगी, कभी एक कट जाएगा, कभी ओक कट जाएगा, पूरी लाइफ तुम अपनी ये ब्लाउज सीते रहोगे, राजयोग कभी नहीं मिलेगा। वो कन्या मैं कहाँ ढूंढूंगा? कहाँ ढूंढूं तिल? मैं कहाँ ढूंढूं कन्या? नारायण नारायण, जजमान रास्ता मैंने बता दिया है, अब कन्या की तलाश तुम शुरू करो और निकल 11 रुपए। 11? हाँ। बड़े कमीने हो पंडित तुम, बड़े कमीने हो। राजयोग राजयोग, लेकिन सुबह से मेरी बोरी नहीं हुई रे। 11:15 देता हूँ। राजयोग नारायण नारायण, राजयोग राजयोग। हाँ राजयोग। कन्या 11:15 कन्या 11:15 राजयोग। टोपी राजयोग। अरे टोपी टोपी, मेरा ब्लाउज दो। अरे मेरी जान, तेरा ब्लाउज तो बना नहीं, एक बार नाप और लेना पड़ेगा। कितनी बार नाप लेते हो? कितनी बार नाप लेते नहीं, अब क्या करें, नाप भूल गए तो नाप लेना पड़ेगा ना। ये उतारो। चोली के पीछे क्या है, चोली में दिल है तेरा, चोली में दिल है मेरा, चोली में बड़े 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 क्यों खड़ी है? मौत जिंदगी के सामने काहे खड़ी होते? घबरा मत गीता, हिंदी को मारे खातिर हम तोप लेके नहीं चले थे, हिंदी को तो हम मुंडी मलोर के मारे थे। हसीना, शेरनी को हिंदी समझेगी तो तू मारी जाएगी। अरे सुना रे, ये चूही अपने आप को शेरनी समझता है? तो हो जाए मुकाबला, हम दोनों में शेरनी कौन है? अपनी जबान को लगाम दे हसीना, वरना मैं अपने हाथों को रोक नहीं पाऊंगी। तू अपन को संभाल खाली, दो टकिया ना जाने कौन सी चक्की का आटा खाता है, जुल्म और जिल्लत की चक्की का। ले तोहरी बारात आ गई।
हम खून खराबा नहीं चाहते गीता, अब हम तो ऐसे फिर मिलेंगे। अब ये सिलसिला तोहरी मौत पर ही खत्म होगा रे। चल मारी चोरी का मर्डर होई गयो, मारी बीवी का मर्डर होई गयो, मारी प्यारी बीवी तारी याद में हो गई टीवी। क्या बात है निंसुक सेठ, आंखें फाड़ फाड़ के क्यों रो रहे हो? इंस्पेक्टर माया, मारी छोरी का मर्डर होई गयो, मारी बीवी का मर्डर होई गयो, एक ही बीवी थी मारी। नैनसुख सेठ, लाशों का तो मैं पंचनामा कर दूंगा। वैसे कौन थे वो लोग? अरे इंस्पेक्टर माया, और कौन थे? अरे वही गीता डाकू के साथी थे। हौसला रखो सेठ, डाकू गीता, कमीनी कुत्ती, अब पटा सिंह तुझे छटक के पटक के मारेगा। थू! ये वन नहले पे दहला, डाका हम डाल रहे हैं और नाम बदनाम हो रहा है हमारी प्रिय गीता का। वाह शैतान सिंह वाह, भाई तूने तो कमाल ही कर दिया, गीता के नाम एक और डाका। अरे ठाकुर, वो पगली सुसरी क्या जाने, हम उसकी हाल लेकर पत्ते खेल रहे हैं और ऐश कर रहे हैं। पटाकर साहब, नींद आ जाएगी, बड़ी जहरीली नागन है, पर शैतान सिंह कसम खाता है। शैतान सिंह, तेरी मर्जी वो करना, लेकिन उसे जिंदा हमारे वाले करना। चिंता ना करो, हम तो के उसे जिंदा लाके दे, पर बाजा बजाई के। अरे चल, छोड़ दो ना मैं। नहीं साथी, देखो मैं इसे पकड़ के लाया हूँ। कौन? आपको मालूम है क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? अरे कुएं में कूद के जान देने वाली थी। वो तुम अच्छा हुआ कि एन वक्त पे मैं पहुँच गया, वरना कुएं में कूद के जान दे देती और कुएं का सारा पानी खराब हो जाता। अगर कुएं का सारा पानी खराब हो जाता तो आपको मालूम है, तो इतने बड़े बड़े। चुप, चुप, चा चा हमरी गैया को चारा खिला करा। चारा? वही वाला जो दोपहर को खिलाया था। वही भाई, वही जा चारा खिला करा, जा। हाँ खिलाता हूँ, जब देखो तो चारा खिलाने की बात करते रहते। हाँ हम जाए साहब। जाए? इतनी जल्दी जाना चाहती हो? तुमको पता है कि खुदकुशी करने की 6 महीने की सजा होती है? हमने की तो नहीं ना। नहीं की तो कम से कम 3 महीने की तो लगेगी। वैसे तो तुम बहुत सयानी है ना। आओ आओ, हम तुमको दुनिया की सैर कराते हैं। ये देखो, सुधर जाओ मिस्टर पटक सिंह। आई एम एसपी किरण सक्सेना। एसपी साहिबा, ये लड़की, तुम जाओ यहाँ से। मैं जाऊँ? जा जा पागल, पता नहीं कहाँ से आ जाती है। आगे से ऐसी कोई हरकत मत करना, वरना मैं आपको सस्पेंड भी कर सकती हूँ। हमें माफ कर दीजिए एसपी साहब, हमारे छोटे छोटे बच्चे सब भूखे मर जाएंगे। ठीक है, ये बताइए कि कल रात गांव में जो डकैती पड़ी उसके बारे में कुछ पता लगा आपको? हाँ, वो सुसरी गीता का काम है। गीता? हाँ। गीता कौन है? गीता एक नई डकैतन, डाकू गीता। ठीक है, उसकी फाइल मुझे अभी और इसी वक्त टेबल पर चाहिए। अरे अभी लाता हूँ, आप बैठिए। मूव। हाँ। माँ, मैं क्या चाहती हूँ तुम्हें सब पता है। मेरे विश्वास की रक्षा करना माँ, और मुझे तब तक अपने पास मत बुलाना जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब ना हो जाऊं। गीता, जग्गा, तुम्हें कितनी बार मना किया कि जब मैं पूजा करती हूँ यहाँ मत आया करो। गीता, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं
कि इस बार भी तुम्हारे नाम से किसी ने डाका डाला है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि बार बार मेरे नाम से डाका कौन डालता है। ये तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये काम भी सिर्फ डाकू हसीना का ही है। हसीना? हाँ। धुआं बाहर निकालती है तब तब दुश्मनों की मां की आंख काट डालती है। उका कहत है जब गीदड़ की मौत आवत है तो वो शहर की तरफ भागत है, और जेकर बेमौत मौत आवत है वो डाकू हसीना की तरफ आवत है जैसे इनकी तू। अरे हसीना का नाम सुनकर सबको पसीना आवत है, और तू हसीना को बंदूक दिखावत है तो है डर नहीं लागत है? मैं सिर्फ माँ काली से डरती हूँ, तुम जैसे छिनाल से नहीं। डरेगी रे, बहुत डरेगी, और हमारा नाम सुनकर तुझे रात भर नींद नहीं आएगी। बकवास बंद कर हसीना, मैं बेवजह किसी को मारती नहीं, और मेरे रास्ते में कोई अगर आ जाए तो उसे छोड़ती नहीं। और इसे कहते 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, और अभी कल रात ही तूने 4 लोगों को ऊपर पहुंचाया है। वो मेरा काम नहीं था। तो हमारा काम भी नहीं, हमको अपने नाम पर पूरा भरोसा है, हम तुम्हारा घटिया नाम का सहारा काहे लेंगे। मैं तुझे और तेरी जात को अच्छी तरह से जानती हूँ कमीनी। अरे तो हमारे जात और औकात की जरा भी भनक होती तो तू यहाँ आने की गलती नहीं करती। बड़ी बेवकूफ है तू, जब गीता तेरी घेराबंदी तोड़कर यहाँ आ सकती है तो तुझे गोली मारकर यहाँ से जा भी सकती है। गीता, इसके सारे आदमी हमारे गन पॉइंट पे हैं, कहो तो सालों को। नहीं, गीता जुल्म करने वालों की दुश्मन है, जुल्म की खिलाफत करने वालों की दुश्मन नहीं। फिर इसके आदमियों को सजा क्यों दे? क्यों, बहुत ऊंची आवाज में बात कर रही थी ना? आ गया ना हसीना को पसीना। जिस दिन मुझे पता चला हसीना कि तू मेरे नाम से डाके डालती है, कसम मां काली की मैं तेरी उसी दिन बलि चढ़ा दूंगी। चल जगा। होगी तो सरदार, वहां तो कोई नहीं, पता नहीं गोलियों की आवाज कहां से आ रही है। अरे गीता के आदमी ने तुम सबको पकड़ा नहीं? क्या बात करते हो सरदार, उस ससुर लोग के हावे की हिम्मत नहीं है। अरे वो ससुर यहाँ आके गई है, अब हम उसकी माँ की आंख कर देंगे। अरे ओ वेद माया, अठिया अठिया। अरे वेद माया, कल थारे को है मारे घर पे आना। अरे कोई मर गया क्या? अबे बावली के भूत तेरी, अबे थारी शक्ल अच्छी नहीं, बात तो अच्छी किया कर। लेकिन इससे पहले कभी आपने किसी को घर पे नहीं बुलाया? अरे के बताऊं भाया, इस मजबूरी का नाम हवे मारी नई लुगाई। गैली कहती है कि शादी की खुशी में जो मैंने गलती की है, अपने घर में क्वाली रखो और सबको बुलाओ, और थन्ने को कल मेरे घर पे आना है। अरे क्वाली का नाम सुनकर तो मेरा तन बदन अभी से थिरक रहा है यार। अरे मजा आ जाएगा यार। अरे अभी अभी नाचूंगा मैं, अभी नाचूंगा यार। मैं क्वाली गाऊं? सरदार, क्या बात है रे? खबर मिली है कि आज गीता माधोपुर के सेठ जी के यहाँ डाका डालने वाली है। कौन है रे ये सेठवा? ये ठाकुर दुर्जन सिंह का बहनोई है। कौन खास बात है रे का घर में? सुना है उसकी दूसरी बीवी आई है, बहुत चकाचक मामला है, और सुना है शहर से कव्वाल भी आ रहे हैं। कदम पे हमको फरेब देते हैं।
आशिकों से हमारी है आफत में जान, आशिकों से हमारी है आफत में जान, आशिकी पे ये करते हैं क्या क्या गुमान, आशिकी पे ये करते हैं क्या क्या गुमान, आशिकों से हमारी है आफत में जान, आशिकों से आशिकों से आशिकों से हमारी है आफत में जान, आशिकों से हमारी है आफत में जान, आशिकी पे जादू नहीं तेरा चल पाएगा, जिद करेगा तू मुझसे तो पछताएगा, मुझसे टकराएगी चूर हो जाएगी, ये गलत फहमी भी दूर हो जाएगी, तेरा नाम समंदर है तुझको निगल जाएंगे, हम वो नदियाँ हैं बचकर निकल जाएंगे, मेरी चाहत से तू दिल को आबाद रख, नाम गीता है मेरा इसे याद रख, नाम गीता है मेरा इसे याद रख, नाम गीता है मेरा इसे याद रख। बगड़ो शमशान घाट पर जा दो इसे। खुशखबरी सुना दूं आपको। अरे जल्दी गुलाब आया। वो जो कवाली गाने वाली थी ना। हाँ? वो कौन थी? वो डाकू रानी गीता थी। गीता डाकू रानी गीता, यानी कमारी नई लुगाई की अब हो गया पंटादार, अब मैंने तीसरी ढूंढनी पड़ेगी। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ हमारे प्यार की मंजिल क्या होगी, मिलन या जुदाई? जुदाई? यह शब्द जहर में डूबा हुआ लगता है।
इसे होठों पर मत लाया करो, होठों की शान घटती है। अजय, प्यार में कभी कोई किसी से जुदा नहीं होना चाहता, पर वक्त के सामने कोई जीत भी नहीं सकता। प्यार में अगर सच्चाई हो, ताकत हो, तो दुनिया भी झुक जाती है, भगवान भी झुक जाता है, तो वक्त क्या चीज है। खैर, इन बेकार की बातों से क्या हासिल होने वाला है? तो कैसे हासिल होगा? इस खूबसूरत और रंगीन मौसम को प्यार की सलामी देकर। वो कैसे बताऊं? अरे हाँ, तुम गांव कब जा रही हो? रविवार की सुबह। अचानक ये गांव का प्रोग्राम कैसे बन गया? अरे बापू है ना, वो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, कुछ तो हेल्प करूंगी, और अगर वो जीत जाएंगे तो मैं उनसे तुम्हें मांग लूंगी। मास्टर जी, आप मुझे चुनाव में क्यों घसीट रहे हैं? सब लोग ठाकुर के जुल्मों से तंग आ चुके हैं, और इसीलिए वो हमेशा चुनाव जीतता है। कोई भी उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं करता है। वो तो ठीक है मास्टर जी, लेकिन खामा खास ठाकुर से दुश्मनी मोल लेना भी तो ठीक नहीं है। क्या तुम ये नहीं चाहते कि गांव वालों को ठाकुर के जुल्मों से मुक्ति मिले? मास्टर जी, मैं तो ये चाहता हूं कि गांव वालों को ठाकुर के जुल्मों से मुक्ति मिल जाए। तुम ठीक कहते हो, इसके लिए मुझे चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। तुम इसकी तैयारी करो। ठीक है। हाँ। अच्छा, गांव वाले हमारे खिलाफ बगावत कर रहे हैं, तुर्जन सिंह के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। भगवान झूठ न बुलाए ठाकुर साहब, अगर चिंगारी को जल्द नहीं बुझाया गया तो इसकी लपटे हवेली तक भी आ सकती है। नारायण नारायण। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं बेटे, इस चुनाव में गांव वाले सीताराम भारद्वाज को हमारे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। ओन, ये जुर्रत! बाबा आप हुक्म कीजिए, मैं एक एक को गोलियों से भून कर रख दूंगा। भयंकर गलती करोगे भांजे, भयंकर गलती। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर चुनाव होने से पहले जरा सा भी खून खराबा हो गया तो इसमें जीजा श्री की इज्जत तो मिट्टी में मिलेगी, साथ ही साथ में चुनाव भी रद्द कर दिए जाएंगे। हाँ विक्रम, तुम्हारे मामा श्री बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन दाता साले श्री। जी जीजा श्री। तुमने क्या सोचा है? मैंने जो सोचा है उससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हम जानते हैं कि तुम हमेशा दूर की कौड़ी लेकर आते हो, इस बार तुम्हारे शैतानी दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है? मैंने इंस्पेक्टर पटक सिंह को बुलाया है। आओ इंस्पेक्टर पटक सिंह, आओ। हुकुम ठाकुर साहब। तुम्हें कल गांव में डकैती डलवानी है, डाका चाहे कोई भी डाले, लेकिन इल्जाम सिर्फ सीताराम भारद्वाज के सर पे ही आना चाहिए। आगे तुम्हें क्या करना है ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। आप फिक्र मत कीजिए मामा जी, मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा। सीताराम! कुंवर साहब, आप तू बाबा के खिलाफ चुनाव लड़ेगा? हाँ, हमारे टुकड़ों पर पलता है और हमें ही काटता है। ये बात नहीं कुंवर साहब, लेकिन मैं तुझे डर नहीं लगा कि बाबा के सामने चुनाव लड़ने का अंजाम क्या होगा? कुंवर साहब, और कोई है बोलने वाला? मैं तुझे गोलियों से छन्नी करके रख दूंगा अगर तूने बाबा के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की कोशिश भी की तो। अनर्थ हो गया जीजा श्री, अनर्थ हो गया। अब क्या हो गया साले श्री? अपने छोटे भांजे ने दो आदमियों को गोली मार दी है। तो क्या हुआ? इंसान तो पैदा ही होता है मरने के लिए, और फिर वो भी बेचारा क्या करे, जानवरों को मारने से तो रहा, क्योंकि सरकार ने जानवरों के शिकार पर तो वैसे ही पाबंदी लगा रखी है। सत्य वचन जीजा श्री, लेकिन उसने सीताराम भारद्वाज के दो आदमियों को मार दिया है। सीताराम भारद्वाज के आदमियों को मारना तो गलत हो गया, क्योंकि जनता की सहानुभूति तो
सीताराम भारद्वाज की तरफ हो जाएगी। बाबा बेटे ये हम क्या सुन रहे हैं? किससे कहा था तुझे गोली चलाने के लिए? बाबा वो आपके सामने चुनाव लड़ने वाला था। अरे लेकिन भाजे इस बाबा श्री मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, जो मेरे बाबा के सामने सिर उठाएगा वो मेरे बाबा का दुश्मन, और जो मेरे बाबा का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, और मेरे दुश्मन को मैं कभी जिंदा नहीं छोड़ता। इतना क्रोध शरीर के लिए अच्छा नहीं है भांजे। ये लड़का सुधर नहीं सकता। अरे आप ही का तो खून है। सिर्फ मेरा खून है, तेरा भांजा नहीं है। हाँ सत्य वचन। दाता पता उस विजय बेकूफ ने क्या किया है? सब पता है। लेकिन फिर भी आप? बेटे उसे कोई समझा नहीं सकता, वो लड़का तो गुस्से में पागल हो जाता है। शुक्र करो कि उसने सीताराम की गोली नहीं मारी। लेकिन दादा सुनने में है कि सारे गांव वाले सीताराम का साथ दे रहे हैं। तुम उसकी चिंता मत करो भांजे, तुम्हारा मामा ऐसे पांच से फेंकेगा कि वो सीताराम चारों खाने चित हो जाएगा। पटक सिंह आप यहां? जब पटक सिंह को कुछ उठक पटक करनी होती है तो वो कहीं भी पहुंच जाता है। किसकी उठा पटक करनी है सरकार? ये सीताराम है तुम्हारा सरदार। ये मेरा सरदार नहीं है, मेरा सरदार तो जेल में है। जब पटक सिंह कहता है कि सीताराम तुम्हारा सरदार है मतलब है, वरना मैं तुम तीनों का राम नाम सत्य है कर दूंगा। नहीं सरकार, अब जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। गुड, ये बुढ़बक बहुत समझदार है। अरे अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें टॉप यानी कि ऊंचे दर्जे का डाकू बनाएंगे, समझ गए? फिलहाल तुम तीनों मेरे साथ चलो, कम ऑन फॉलो मी। ठीक है ना मास्टर जी? हाँ हाँ, इस बार आप चुनाव तो होने दीजिए सीताराम जी। अरे मेरी बेटी गीता। कैसे हो बापू? बहुत अच्छा हूँ, तुम्हें देखे बिना तरस जाता हूँ। लेकिन अचानक तो कैसे आ गई? बापू आप चुनाव लड़ रहे हो और मैं आपकी मदद करने नहीं आऊंगी। अरे वाह शाबाश। देखो सीताराम, इस बार तुम्हें चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। अरे भाई जिसकी बेटी कॉलेज छोड़कर मदद करने आई हो उसे कौन हरा सकता है? बता तेरा सरदार कौन है? ये क्या बात है इंस्पेक्टर? ज्यादा नाटक मत करो, बोल डकैती का माल कहाँ है? कैसा माल, कैसी डकैती, क्या बात कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब सीताराम जी बहुत शरीफ आदमी है। अच्छा, मैंने इसे बहुत शरीफों को देखा है, जाओ तलाशी लो घर की। अरे ये क्या है इंस्पेक्टर साहब, क्या जंगल राज बना रखा है आपने? क्यों बेकार में परेशान कर रहे हो बेचारे को? कल रात को जो गांव में डकैती हुई थी पुलिस ने तीन गिरफ्तार किया है, और इनका कहना है कि इनका सरदार तुम्हारा ये सीताराम है। ये झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे बापू डाकू नहीं है। राम राम, डाकू सीताराम, छी छी छी, अरे इसने तो राम और सीता दोनों का ही नाम डुबा कर रख दिया। मास्टर जी अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। अच्छा तो ये वही है ना जो चुनाव में खड़ा होने वाला था? वो भी हमारे खिलाफ। बाबा धन्य हो जीजा श्री, कुछ तो अपनी इज्जत का ख्याल कीजिए। अरे ऐसे हरे गहरे डाकू के सामने चुनाव में खड़े होने चले थे आप? हैं? हमें क्या पता था कि ये डाकू है, हम तो इसे बहुत ही शरीफ आदमी समझते थे। बाबा आजकल के शरीफ आदमी ऐसे ही होते हैं। राम राम। सर ये कहने मिले हैं। इंस्पेक्टर देख क्या रहे हो, ले जाओ इसे, ऐसे डाकू की सूरत देखना भी हम पसंद नहीं करते। अब भी कुछ कहना है? इंस्पेक्टर साहब मुझे फंसाया जा रहा है। ये सब बातें चल के अदालत में कहना, चल मेरे साथ। नहीं बाबू। चलो। ठाकुर साहब। क्या बात है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ये रिपोर्ट तो पुलिस स्टेशन में दर्ज हो गई है और मैं सरकारी मामलों में दखल नहीं देता। मामा। हाँ भांजे। अरे लगता है तेरा इस पे दिल आ गया है। मामा। ठीक है करता हूँ कुछ। अरे ये क्या कह रहे हैं जीजा श्री आप, ये बेचारी तो बड़ी मजबूरी से आपके पास आई है।
हाँ भांजे, इस बेचारी की मजबूरी का फायदा उठाना तुम्हारा परम कर्तव्य है। बिल्कुल राइट भांजे। साले श्री। जी जी जयश्री। तुम बहुत कमीने हो। ये तो आपकी सोबत का असर है। हाँ ये तो है। अच्छा तुम चाहते हो ना कि इसके साथ भी वही सुलूक हो? बिल्कुल। मेरे दो अनमोल रत्नों। हाँ दादा बाबा। तुम दोनों आपस में इसे समझ गए? हाँ। देखा देखा भांजो, जीजाश्री कितने दयालु हैं, इसे केवल तुम दोनों में बांट रहे हैं। अरे मैं होता तो इसे दासों में भी बांट देता। नीच कमीने। ए, छोटे टप। भक्ति कौन सदी? आज मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तेरे बाप को इस बात का हमेशा अफसोस होगा कि वो मेरे बाबा के सामने इलेक्शन में खड़ा कैसे हुआ। और सुन, तेरे बाप को झूठे इल्जाम में हम लोगों ने फंसाया था और आज तू मेरे जाल में फंस चुकी है। मेरे बेटे को जान से मारने की गलती कैसे की? तूने भी तो मेरे बाप को मार डाला था। मैं तुझे क्या करेगा ठाकुर? मारेगा मुझे? मार मार मुझे मार। नहीं बेटे नहीं, हम इसे इतनी आसान मौत नहीं देंगे। इसकी मौत तो इतनी भयानक होगी जिसे देखने के बाद कोई भी गांव वाला हमारे खिलाफ सर उठाने की जरूरत नहीं करेगा। चल, चल मुझे, चल यहाँ से। क्यों नहीं चलती है? खींच मार, चल मुझे। खींचो साली को। चल यहाँ से। खींचो इसको। नीच कहीं की। चल मुझे। नहीं। ओह मत तो तेरा। गीता, अरे तूने ठाकुर के बेटे की हत्या करके अरे बहुत बुरा किया है। हाँ अब तो ठाकुर तुझे नहीं छोड़ेगा, अब तो तुझे सिर्फ नारायण ही बचा सकते हैं। नारायण नारायण। गांव वालों, इस उल्टा बच्चन लड़की को कानून नहीं बल्कि हम सजा देंगे। हम बाबा ठाकुर। बाबा ठाकुर, तुम यहाँ क्यों आए हो? वाह वाह वाह, कितने बहादुर हो गए हैं हमारे गांव के ठाकुर। लड़की को जिंदा जला रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बाबा ठाकुर अपनी जबान को लगाम दो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। जीजा श्री, देख लिया ना अपने भाई को? अरे इसका तो खून ही सफेद हो गया है,
ये एक नीच लड़की के लिए अपने भाई की जान का दुश्मन बन बैठा है। कलयुग आ गया है, कलयुग लानत है ऐसी ऐसी रिश्तेदारी पर। लड़की को खोल दो वरना भेजा उड़ा दूंगा विक्रम का। नारायण नारायण, अरे गुस्सा थूक दो बाबा ठाकुर। बस ठीक है, खोल दो इसे। आज के बाद इस गांव में किसी किस्म का जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझ गए ठाकुर? गीता देखो इधर। गीता अपने आप को कानून के हवाले कर दो। साहब जी। हाँ। एक बात कहे। कहो मंगो। हमें बड़ी खुशी हुई कि ये गोली आपकी बांह में लगी। क्यों? अरे नहीं नहीं, जरा सोचो, अगर ये गोली आपकी बांह की बजाय आपकी छाती में लग जाती तो आपका तो राम नाम सत्य हो जाता ना। अब कैसी है तबीयत? पहले से बेहतर है एसपी साहिबा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? हमें खबर मिली कि गीता काली पहाड़ी के पास है, हम वहां पहुंचे, हमने जाके उसे पकड़ लिया। उसके बाद उसके आदमी आए, उसे लेकर चले गए और हमारा यह हशर कर दिया। कोई बात नहीं, मैं आईजी साहब से आज ही बात करती हूँ और पुलिस फोर्स कुछ और मंगाने की यहाँ पर कोशिश करती हूँ। डोंट वरी। थैंक यू साहब जी। मंगो। एसपी साहब, तनिक हम पर एक और एहसान कर दीजिए। इस सुसरे का ऐसी जगह ट्रांसफर कराइए इसका साया भी नजर ना आए। मंगो। पर अगली बार मैं बिना गोली खाए मर जाऊंगा। ए टोपी, ये ले मेरा ब्लाउज सी दे। अरे ब्लाउज तूने तो हम बैठे हैं यहाँ। अरे रहने दे, पहली बार जो तूने सिया था ना वो तो छोटा था, इस बार ध्यान से सीना ठीक से। पहली बार सिया छोटा था ना? हाँ जी। तू भी छोटी थी। हाँ तो ठीक है, इस बार तो ठीक से सी देना। और सुन, साइज सही होना चाहिए, लेस वेस लगा के अस्तर वस्तर लगा के सीना। अरे अस्तर की क्या बात है, चल खोल। क्या? नाप लूंगा ना। हाँ तो ऐसा बोल ना भाई साहब। क्या आप बता सकते हैं ये सीताराम जी भारद्वाज कहाँ रहते हैं? तुम सीताराम भरद्वाज का घर ढूंढ रहे हो? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। वैसे एक बात बताओ, तुम सीताराम भरद्वाज को कैसे जानते हो? मैं और उनकी लड़की गीता साथ कॉलेज में पढ़ते थे। तुम और गीता एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं? कोई खास काम है क्या? जी हम लोग शादी करने वाले हैं। शादी? तुम ये समझो कि तुम्हारी शादी हो गई। जी मैं आपको मतलब नहीं समझा। आओ चलो मेरे साथ, सट एंड आल रहोगे तो ऐश करोगे। ठाकुर साहेब। वाओ इंस्पेक्टर, आओ। वाकई में ठाकुर साहेब, आपको असली फूल की अच्छी पहचान है। ठाकुर ने जिंदगी में किया ही क्या है। साली पगली बड़ी करारी है। ये गीता का प्रेमी है। सुसर शहर से आया गांव में मिलने। वाह इंस्पेक्टर वाह, कमाल की गोटी लाए हो। अब मुझसे नहीं बच सकती। तुम्हार गीता की तारीफ कर रहे हैं ठाकुर साहेब। लेकिन आपने तो कहा था। अरे सुन लौंडे, ठाकुर साहब को भी गीता से मिलना है और तुमको भी गीता से मिलना है। अब तुम आ गए हो तो ठाकुर साहब की इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी, है ना ठाकुर साहब? तुझे चारा बना के उस शेरनी को जाल में फंसाया जाएगा। इसका मतलब गीता को डाकू बनाने में आप ही का हाथ है? अरे तनिक हाथ नहीं, नली निहारी बोटी वोटी सब कुछ इन्हीं का है। और उसे मारने में भी हमारा हाथ होगा। और मेरे जीते जी तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमको मार के कर देंगे, है ना ठाकुर साहब? तो तुम अब भी समझते हो कि तुम अब भी जिंदा रहोगे? तुम्हारी रिपोर्ट गलत तो नहीं है? इतने सालों से मैं पुलिस की मुखबिरी कर रही हूँ, क्या आज तक मेरी कोई भी खबर गलत हुई है? ठीक है, मैं आज ही कमिश्नर साहब से बात करती हूँ और पूरी रिपोर्ट उन्हें देती हूँ। और तुमसे उस लड़के को बचाने के बारे में जो कहा गया है तुम जाकर वही करो, ठीक है? गीता, तुम्हारे लिए खास खबर लेकर आया। क्या खबर है? अजय शहर से वापस आ गया। अजय?
शहर से वापस आ गया है? हाँ। उसे मालूम पड़ चुका है कि मैं डाकू बन गई हूँ? बिल्कुल मालूम पड़ गया। अब कहाँ है वो? ठाकुर के आदमियों ने उसे पकड़कर हवेली की छत पर लटका दिया है। ये ठाकुर की साजिश है तुम्हें वहाँ बुलाने की। ठाकुर की आखिरी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगी। पागल हो गई हो गीता, तुम वहाँ इस वक्त जाकर अपनी जान को खतरे में डालना चाहती हो? अरे वो बेचारा अपनी जान को खतरे में मेरे लिए डाल रहा है और मेरा फर्ज है उसकी जान बचाना। लेकिन लगता है इस महाभारत के दुर्योधन के मरने का वक्त आ गया है। हसीना तुम्हें क्या कर रही हो? पीका हम ले जावत है, कौनो एतराज है तो है तो अभी कह दे, अभी फैसला कर देते हैं। तुम इसे नहीं ले जा सकती। अच्छा कौन माइका लाल हमका रोकत है? तो हार ये हिजड़ा। कि खबरी की खबर झूठी कैसे निकली? कहीं खबरी ने हमें जानबूझकर झूठी खबर तो नहीं दी है? नहीं, वो गीता के साथ गद्दारी नहीं कर सकता क्योंकि उसे मालूम है कि गीता के साथ गद्दारी करने का अंजाम क्या है। अरे आपके हाथ से तो खून बह रहा है। कौनो नई बात नहीं है, गोली लगी है, अभी निकाल देती हूँ। पागल हो गई है आप, सारे शरीर में जहर फैल जाएगा। हमारे शरीर में तो पहले से जहर भरा है रे। ये लो चाकू। तुम्हारी ठाकुर से क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो उसे जानता तक नहीं। तो गीता कैसे जानते हैं? हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। अच्छा हसीना तेरी हो गई रे। मैं समझा नहीं। अरे आज तक कभी किसी ने हमें छुआ तक नहीं और तूने तो हमें देखा है और हमारी जान भी बचाई है। जान तो तुमने भी मेरी बचाई है। इसलिए तो कहते हैं कि तुम्हारी जान पर हमारा हक है और हमारी जान पर तुम्हारा हक है। मगर आह हमको तो सिर्फ प्रेम आई गवा रही। मगर फिर ससुरा मगर बीच में आएगा, गोली मार दे इस मगर को। प्यार की बात कर, और वैसे भी कड़ाके की सर्दी कुछ ज्यादा ही है। अरे भैया रामलाल, तेरा नाम तो रामलाल ही है ना? हाँ रामलाल है यार, इसमें कोई शक है क्या यार? तेरी परचून की दुकान है ना? हाँ यार वही तो। जब इतना नाम मुझे मालूम है, तू बड़ा बेवकूफ लग रही है। एक बात बता, अगर कोई तेरी लुगाई को नहाते हुए देखेगा तो तुझे अच्छा लगेगा? भड़का रहा है आपको, भड़का रहा है भाई, भड़का रहा है। कोई मेरी लुगाई को देखेगा तो मैं लाखा मारूंगा यार, डंडे से मारूंगा यार। हां तो मार रहा है इसे। नहीं नहीं ये मारो ये आपको। अरे भाई ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ ठाकुर साहब, ये एसपी मैडम वाकी मुखबिर है। इतने दिनों से ये पगलिया का ढोंग रच कर हम सबको बेवकूफ बना रही थी। दरअसल ये हमरी और आपके खिलाफ साजिश रच रही है। ठाकुर विक्रम सिंह की मुखबरी करती है। ठाकुर तेरे जुल्म की दहशत इतनी बढ़ गई है कि गांव के लोग बेजान हो गए हैं। मगर वो अंधे नहीं हुए और वो तेरा अंजाम बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, समझी? ओ,
बाबा ठाकुर, अच्छा हुआ तुम आ गए, आज तुम्हारा भी खेल खत्म कर देते हैं। यही तेरा अंत था विक्रम। मुझे इस अग्नि की सौगंध, मैं तेरी चिता पर यह कसम खाता हूं कि तेरी कातिल गीता का नाम और निशान मिटा दूंगा। तेरी चिता जलने के बाद मैं उसे जिंदा जला दूंगा, जिंदा, मैं तेरी कसम खाता हूं बेटे। कैसा है रे टोपी? अरे अच्छा है, अपुन तो फर्स्ट क्लास है, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। कैसे आना हुआ? ये ले मेरे दो ब्लाउज सिल दे, पैसे मैं अगले महीने दूँ। ए अपुन ने उधारी उधारी छोड़ दिए, समझी क्या? चल फूट यहाँ से। मेरा ब्लाउज फट गया है, ऐसे मत करना रे। अपुन ने बोला ना ब्लाउज फट गया, क्या मैंने फटा गया? हाँ चल फूट कर दे। मास्टर जी तिल राजोग बसंती, मैं तो मजाक कर रहा था रे। ऐसे मत करना रे। देख बसंती, तू तो मेरा राजयोग है बसंती, राजयोग है रे। सरदार खबर मिली है, सरकार ने गीता के ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम रखा है, अब उसकी खैर नहीं, उसका बचना मुश्किल है। सुना तौरी सोन चिड़िया की कीमत? यकीन नहीं आता, गीता इतनी खतरनाक डाकू है, जितना मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ कोई नहीं जानता। अरे तो और जात को नहीं जाना था रे, जब वो जुलम सहता है ना तो धरती की तरह, और जब वो गुस्से में फटत है ना तो ज्वालामुखी की तरह, और जब बदला लेने के लिए खड़ी होवत हो ना तो रणचंडी की तरह। क्या हुआ रे चॉकलेट? देखने में तो तुम अनपढ़ गवार नहीं लगती हो। वही बात छोड़, तू हमसे शादी करेगा कि नहीं? शादी? देख हम कहते हैं, हम तो है प्यार करते हैं, और हमरे यहाँ शादी से पहले कुछ नहीं करते हैं। लेकिन मैं तो गीता से प्यार करता हूँ। अरे ओ चिकनी कढ़ाई, साला हम कहते हैं कि हम तो है प्यार करते हैं, और तू कहते हैं कि हम गीता से प्यार करते हैं। देखो गीता मेरा पहला प्यार है, और पहले प्यार को भुला पाना इतना आसान नहीं। वही तो हम तो है कहते हैं कि तू हमारा पहला प्यार है, और हम तो है नहीं भुला सकते। देख गीता को भूल जा, नहीं तो हम तो है भुला दे। कैसे? तोरी वो छम्मक छल्लो को गोली से उड़ा दे। जब जब हसीना चिलम का धुआं बाहर निकालती है, तब तब दुश्मनों की माँ की आंख कर डालती है। आए हाय जीजाश्री, जीजाश्री आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता, अरे जो होना था सो हो गया, अब इतनी चिंता भी मत किया कीजिए। साले श्री, जिसका जवान बेटा गोलियों से भून दिया गया हो, वो बाप चिंता ना करे तो और क्या करे? अब जो करना है मैं करूंगा, बस चिंता आप छोड़ दीजिए। क्या? मैंने आपके मनोरंजन का ऐसा साधन ढूंढा है कि आपका मन मयूर नाच उठेगा, सारे गम भूल जाएंगे आप। खबर लाया जगावर? बहुत अच्छी खबर लाया हूँ सरदार। जब से बाबा ने ठकुरवा के बेटा के सूरे बिगाड़ दिलो, तब से उकर सारा तारे टूट गए बा। अब उस ससुरा के कोनो सूरे नहीं खेलागत। ससुरा मर तो नहीं गया? ओ ससुरा मरेगा कैसे, कोनो नए सुर में लगा हुआ है, आज उसने हवेली में नाच गाने का बंदोबस्त किया है। कौन आई नचनिया? कोनो शहर से आने वाली है। नहीं रे नहीं, कौन नजनिया नहीं आए, हम जाए ठाकुर के हवेली, हम दिखाए उसे जवानी के जलवे।
बड़ी हवेली में तो का कोनु काम का चीज नहीं मिला रे। सरदार, थकरुआ के तिजोरी में ये हमें कागज मिला है, लेकिन लगता है कोनो इलेक्शन के बाद, फिर भी हमें समझ में नहीं आया, फिर भी हम इसे ले आया हूँ। डर दे। बड़ा काम का कागज है रे, बड़ा हरामी है रे तू। अरे ये कागज ठकुरवा के लिए तोप से कम धमाका नहीं करी। ये कागज बड़ा काम का है रे, अब हमारा हवेली जाने का मकसद पूरा हुई गवा रे। हम समझे नहीं सरदार। ये कागज ठाकुर की मौत और गीता की जिंदगी है। जिंदगी क्या? चलो सरदार। बड़े 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 बड़े। अरे टोपी, अरे क्या हाल चाल है भैये? वही हड्डी वही खाल है भैये। मंगू। हाँ भैये। घुंघटे में चंदा है फिर भी है भला, चारों ओर उजाला। कौन है? हाँ बे ओए मंगू, अबे बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। मेरी पूरी खानदान काली है रे। ये कौन है घूंघटे में? अरे तेरे को नहीं मालूम? मैंने शादी कर ली है, ये मेरी बीवी है। क्या शादी कर ली? हाँ। बड़ा अच्छा किया रे तूने रे। अब तुम्हारे रास्ते का काट आ गया। मैं बसंती के साथ शादी करूंगा रे, बसंती के साथ शादी करूंगा। अरे टोपी, अगर तू शादी करे तो मुझे बुलाना मत भूलना। अबे बिना विलन के पिक्चर कंप्लीट होती है क्या? अबे क्या कर रहा है इतनी छोटी है इतना मोटा? अरे भैया, अरे छोटे नहीं बड़े बड़े मुजरिम पकड़ता हूँ, इसलिए डंडा भी बड़ा लगता हूँ, डंडा घुमा के। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कर क्या रहा है तू? लबुदा टेप दे रहा, क्या कर रहा तू ये? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही बस थोड़ा सा। थोड़ा सा? पूरा घर जाके कर तू। कर कर कर। तूने मुझे टेप से मारा, मैं तुझे देख लूंगा डंडा घुमा के। चल मेरी रानी, आ जा, थक गया हूँ। अरे अब देखना इन दोनों को, देखना है मुझे तो बसंती देखना है। पकड़। बड़े 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 बड़े। साली गीता की मुखबिर। हो जाएगा। हम ठीक हो जाएगा रानी। हाँ गोली निकल चुकी है। हा? अरे मंगू कैसा है रे बेटा? ये कहां से आ गया? अरे टोपी, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ डंडा घुमा के। अरे तू कैसा है मेरे लाल? झकास। अपुन को क्या हो सकता है बाप? अपुन तो फर्स्ट क्लास फिट है, लेकिन अब सोचता है अगले संडे बसंती के साथ शादी कर डालो। अरे तेरे को मालूम है, हो सकता है कि उसने अपनी शादी कर ली हो। अबे लल्लू, तेरा पत्ता तो साफ हो गया।
सिर्फ अपुन बचा है अपुन। नारायण नारायण नारायण। अरे मंगू बेटे कैसा है तू? अरे पंडित जी मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ आपकी दुआ से। अच्छा ये बता तू तो अच्छा है लेकिन बसंती कैसी? बसंती? अरे टोपी बसंती और इसकी शादी तो मैंने ही करवाई थी। क्या कर रहा तू? अरे कमीने में पंडित हरामजादे कमीने कुत्ते लुच्चे तूने तूने तो कहा था कि मेरी हथेली में राज योग है। हाँ है ना। और तूने कहा था जिस लड़की के सीने में तिल होगा उससे मेरी शादी के बाद मैं राजा बन जाऊंगा। हाँ पर लेकिन अब आज तेरी जुदा दूंगा। अरे राजयोग राजयोग के बदले में 5,000 का चूना लगा गई दिवालिया कर गई। अरे नहीं छोड़ूंगा। दीदी नमस्ते। अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? ठीक हूँ। मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जिंदगी दांव पर क्यों लगा दी? आपको बचाने के लिए नहीं दीदी, पूरे गांव को बचाने के लिए। मैं कुछ समझी नहीं। दीदी अगर मुझे कुछ हो जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर आपको कुछ हो जाता तो पूरे गांव में मातम छा जाता, और आपकी मौत तो समझो गांव वालों की मौत। दीदी आपके ऊपर गांव वालों को बहुत आस है, अगर आपको कुछ हो गया तो ठाकुर के जुल्मों से उन्हें कौन बचाएगा? माँ महाकाली का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द गांव वालों को ठाकुर से मुक्ति मिल जाएगी। कहाँ मारी थी शायद तुम्हें याद ना हो, पर मैं बताता हूँ। देख नीचे देख, छोटी सी फुंसी को तुम्हारी टांग ने, एक छोटी सी फुंसी को कितना बड़ा फोड़ा बना दिया। अभी फोड़ती हूँ तेरे फोड़े को। अब मैं फौलादी इंसान बन गया हूँ। मैंने स्पेशली को डायरेक्ट टेलीफोन किया कि मेरा ये फोड़ा स्टेनलेस स्टील का बना दे। अब तेरा हथियार कोई काम नहीं कर सकता। अब मैं देखता हूँ मेरे से तुझे कौन बचा सकता है। उस दिन तो मैंने तुझे छोड़ दिया, पर आज मैं तुझसे तू खेलूंगा। नहीं छोड़ छोड़ मुझे कमीने। बाबा ठाकुर मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो। ये ठाकुर और मामा और वो इंस्पेक्टर तीनों आपसे डरते क्यों हैं? जानना चाहती हो तो सुनो, ये तुरचन मेरा चचेरा भाई है। क्या? हाँ, जायदाद के लालच में इन लोगों ने मुझे हवेली से जंगल तक पहुंचा दिया, और वो शकुनी है ना, मामा शकुनी, वो सही मायने में महाभारत का शकुनी है। उसी ने दुर्जन को दुर्योधन बनाया है। पर अपनी महाभारत कांड तो अभी बाकी है ना? बिल्कुल बाकी है। उस महाभारत में भी दुर्योधन मरा था, और इस महाभारत में भी दुर्योधन मरेगा। बाबा ठाकुर। आओ आओ, क्या बात है भीमा? बाबा ठाकुर, गांव वालों ने उत्सव रखा है, थोड़ी देर के लिए पधारेंगे तो बहुत बड़ा एहसान होगा। देखो भीमा, मैं इस उत्सव में जाना नहीं चाहता, मुझे उत्सव में जाकर कोई खास खुशी नहीं होती। थोड़ी देर के लिए पधारेंगे तो हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। अरे एहसान की बात क्या करते हो, ठीक है थोड़ी देर के लिए जरूर आऊंगा। जी अच्छा।
जे चढ़ जावे ओ यार पंग दा पाने ओ चढ़ जावे जे चढ़ जावे ओ यार पंग दा पानी ओ हकी कहना फिर झूमे खिलके मत जवानी चल यार चख ले साडे नाल चख ले चल यार चख ले साडे नाल चख ले कुछ पीने पिलाने दा जुगाड़ कर ले कुछ पिलाने मिलाने दा जुगाड़ कर ले कुछ मिलाने साडे नाल चख ले चल यार चख ले साडे नाल चख ले कुछ पीने पिलाने दा जुगाड़ कर ले कुछ पिलाने मिलाने दा जुगाड़ कर ले कुछ पिलाने मिलाने दा जुगाड़ कर ले साडे नाल चख ले चल यार चख ले साडे नाल चख ले कुछ पीने पिलाने दा जुगाड़ कर ले पीने पिलाने दा जुगाड़ कर ले कुछ पिलाने मिलाने दा जुगाड़ कर ले कुछ पिलाने मिलाने दा जुगाड़ कर ले चढ़ जावे ओ यार पंग दा पानी ओए होए की कहना फिर झूमे खिलके मत जवानी चल यार चख ले साडे नाल चख ले चल यार चख ले साडे नाल चख ले कुछ पीने पिलाने दा जुगाड़ कर ले कसूर था मेरा जो तूने मुझे ऐसी जिंदगी दी माथे पे थोड़ा सा सिंदूर मांगा था और तूने 5 लाख का इनाम दे दिया इन हाथों को सुहा की चूड़ियों की ख्वाहिश थी माँ और तूने तूने ये बंदूक थमा दी माँ बंदूक थमा दी इन कानों को शहनाई की गूंज की तमन्ना थी तूने तूने बारूद के धमाकों की आदत डाल दी सर पे एक छोटी सी छत की इच्छा थी पर तूने पूरा आसमान दे दिया बोल माँ बोल बोल माँ माँ बोल तू बोलती क्यों नहीं माँ ये किस बात की तू मुझे सजा दे रही है माँ बोल बोल माँ बोल सोचा था अपनी सहेलियों की तरह मैं भी सुहागन बनूंगी पर तूने मुझे विधवाओं से भी बदतर जिंदगी दे दी माँ मैं इस कफन को किसका नाम दूँ माँ किसका नाम दूँ गीता अगर तू चाहे तो तुम्हारा ये कफन सुहाग का जोड़ा बन सकत है रे और ये काम हम बड़ी आसानी से कर सकत है चुटकी बजाकर तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई अरे हिम्मत की बात छोड़ हिम्मत तो हमरे अंदर बहुत है रे पर आज हम यहाँ लड़ाई खाते नहीं तो है प्रेजेंट मां देने आए हैं प्रेजेंट हाँ उसका नाम है हिंदी में तोहफा तू मुझे तोहफा देगी
एक दुश्मन दूसरे दुश्मन को तोहफा देगा? हाँ, वो तोहफा का नाम है अजय, अजय सक्सेना। हरामजादी, मुझे खबर मिल ही गई थी कि तू अजय को कहीं छुड़ा कर लेकर गई है। बता बता अजय कहाँ है? हमारी चोली में। अरे वो 6 फुट का जवान हमारी चोली के अंदर कैसे रह सकता है? सीधी तरह से बताती है कि नहीं कि अजय कहाँ है? पुलिस स्टेशन वहां में, और उसका पुलिस स्टेशन में हम ही लेके गए हैं। मगर क्यों? क्योंकि मैं डाकू हसीना नहीं, आई एम सीबीआई इंस्पेक्टर नीलम सिन्हा। तेरी तारीफों के बड़े बड़े पुलिंदे जमा है सीबीआई में, और सीबीआई को दुर्जन सिंह की शिकायतें मिलती रही है। इस केस की छानबीन के लिए ही मैं डाकू हसीना बनी। तू चाहे तो मुझे मार सकती है, पर मैं जानती हूँ तू ऐसा करेगी नहीं। सच कहती हूँ, तुझे मारने के लिए ही मैं डाकू हसीना बनी। वो हमारा मिशन था, पर अब अजय की खातिर मैं ऐसा नहीं करूंगी। अजय से तुम्हारा क्या रिश्ता है? वही रिश्ता जो अजय का तेरे साथ है। मेरी बात गौर से सुन, कुछ नहीं रखा इस जिंदगी में। डाकू की जिंदगी दो ही स्टेशन पर रुकती है, एक पुलिस स्टेशन पर और दूसरी मौत पर। तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे, मैं तेरी सजा कम से कम करवाने की कोशिश करूंगी। क्या कोशिश करेगी तू? फांसी की सजा को तू उम्र कैद में बदलवा देगी? रिहाई तो नहीं दिलवा सकती तू, पर हाँ, जब तक ठाकुर जिंदा है तब तक मुझे कानून कभी हथकड़ी नहीं पहना सकता, ना मुझे मौत मार सकती है। देख, दुर्जन सिंह और उस इंस्पेक्टर के खिलाफ मेरे पास काफी सबूत हैं। मैं वादा करती हूँ कि उन दोनों को सजा दिलवा के रहूंगी। हम जानते हैं तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, तुम मेरी बहन की तरह हो। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें इंसाफ दिला के रहूंगी। हम गीता की कसम खाकर कहते हैं हम तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहेंगे, ये हमारा वादा है तुमसे। तुमने अजय को अरेस्ट करके क्यों रखा है? ठाकुर से बचाने के लिए। तुम इससे बात करो, मुझे कुछ काम है। गीता, तो इसने तुम्हें फंसा ही दिया ना? क्या मतलब? मतलब हम तुम्हें बताते हैं गीता, जो नाटक हमने तुम्हारे साथ किया था वो तुम्हें फंसाने के लिए किया था। हरामजादी कुत्ती कमीनी, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। चिल्ला और चिल्ला, इस पुलिस स्टेशन की दीवारें बहुत मजबूत हैं, तेरे चिल्ला से टूटेगी नहीं। एसपी, ये आपका खास मेहमान है, इसका ख्याल रखो। गीता, तुम यहाँ आराम से बैठो, हम शहर जाके तुम्हारी विदाई की खातिर बारात लेके आते हैं। अजय, मैं हार गई हूं। अजय, कैसी है तू? अच्छी हूं। तू नसीब वाला है ठाकुर कि आज मेरे सामने खड़ा है, पर आज मेरे हाथ खाली हैं। लेकिन मेरे हाथ भरे हुए हैं। तेरे खाली हाथ तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, और मैं तुझे इस दुनिया से भी खाली हाथ ही भेजूंगा। क्या हो रहा है ये सब? चुपचाप खड़ी होकर तमाशा देख, वरना तुझे भी इनके साथ खड़ा करके तेरे इस लॉकअप को। ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। एक लफ्ज जबान से और निकाला तो तेरी ये खाकी वर्दी लाल हो जाएगी और तू खाक में मिल जाएगी। नहीं! मैंने तेरे तो सारे साथी मार दिए, अब तू अबला लाचार किसके सहारे जिंदा रहेगी? चल, तेरा भी खेल खत्म कर देता हूँ। ठाकुर, तेरी भलाई इसी में है कि तू मुझे भी मार डाल। कहीं मैं बच गई ना तो तू बहुत बुरी मौत मरेगा। बाबा ठाकुर। गीता को छोड़ दे इंस्पेक्टर। बाबा ठाकुर, अगर तुमने जरा सी भी चालाकी की तो मैं इस गीता की किताब को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। बाबा ठाकुर, अब इन बूढ़ी हड्डियों के हाथ में ये बंदूकें शोभा नहीं देती। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अच्छा हुआ बाबा ठाकुर तू भी यहाँ आ गया। देखिए, वही लोग है ना जिन्हें तूने पाला था। ये वही गीता है ना जिसे तूने चंडी बनाया था। देख, आज मैं तेरी इस चंडी का क्या हशर करता हूं। आवाज दे अपनी इस चंडी को,
बोले से ये अपनी ताकत दिखाए। ऐसे कहते हैं नहले पे दहला, यानी हमारे बुजदिल कहने का आपने फायदा उठा लिया और गन लगा दी बेचारी की कनपट्टी पे। अरे मैं तो आज सरेंडर करने आया था, थक गया मैं गीता को संभालते संभालते। गीता को भी संभालो और ये बंदूक भी संभालो। इस गन का बोझ अब मुझसे उठाए रह जाता इस पे। गीता पकड़ ठाकुर को जा। जी बाबा ठाकुर। गोली नहीं मारना, मुझे गोली से बहुत डर लगता है। पुलिस के गोली से पुलिस को क्यों मारूंगा? अपने ऊपर केस बनवा रहा है। तुम्हारे लिए एक गोली लाया हूं। ये गोली, इसे क्या कहते हैं नहले पे दहला। तो जरा मुंह खोल खोल, जुबान बाहर बाहर। अब इसे खा ले। पानी पानी नहीं, डायरेक्ट ले ले। ये तो तकिया समझ के सो गया। अब इंस्पेक्टर पटक सिंह बाप का बिस्तर समझा है। रुक जा मामा। मुझसे भूल हो गई गीता मैया, ऐसा मजाक ना कर। मुझसे भूल हो गई है, मुझसे भूल हो गई है मेरी माँ। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे मत मारना। तू मेरी बेटी है ना, माफ कर दे, छोड़ दे गीता बेटी मुझे। नहीं गीता नहीं, मुझे मारने की गलती मत करना। मैं इस गांव का ठाकुर हूं, अगर तूने मुझे मार दिया तो कानून तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्यों ठाकुर, मौत से डर लग रहा है ना? देख इन गांव वालों को, इन लोगों के सूरत पर तेरे जुल्म की दास्तान लिखी हुई है और आज हर कोई तेरा अंजाम देखने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। ऊपर वाला भी नीचे आए ना तो गीता को नहीं रोक सकता। रुक जाओ गीता। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। रुक जाओ। मुझे माफ कर देना गीता, मुझे नहीं मालूम ठाकुर पुलिस स्टेशन में इतना बड़ा कांड कर जाएगा। कोशिश करना, तुम्हारे लोग ऐसे लोग के साथ मिलकर किसी और को गीता बनने पर मजबूर ना करें, क्योंकि गीता एक होती है और उसके अध्याय 18 होते हैं।